दोस्तों, जैसा कि आजकल आप नेट पे देख रहे हो कि ये सीड बॉल्स का एक सिस्टम चला हुआ है। मतलब आप अगर वैसे किसी भी मतलब दरख्त का बीज अपने किसी वीराने में फेंकते हो तो उससे ये होता है कि उसको या कोई जानवर खा जाता है या कोई परिंदा वगैरह उसको खा जाता है, तो उससे वो मतलब बीज ज़ाया हो जाता है। तो साइंसदानों ने बेसिकली जापान ने मतलब इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया है। ये सीड बॉल्स का एक सिस्टम है। सीड बॉल्स आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सीड बॉल्स आप भी बना सकते हैं अपने इलाके में। मैं गो ग्रीन जंग टीम की जानिब से मैं आज इस चीज़ की मतलब शुरुआत कर रहा हूँ। और ये आप देखें, मैंने मिट्टी ली है, मिट्टी में पानी मिक्स किया है, सिर्फ सिंपल मिट्टी और पानी। और इसमें ये मैंने ये किकर है, किकर के बीज मैंने रखे हुए हैं। ये इस तरह अंदर रखे जाएंगे बीज, एक या दो बीज आप मतलब जो आप रख सकते हैं, इस तरह करके इसको गोल बनाएं। इसको मतलब ना लड्डू टाइप आपने बना देना, बिल्कुल जैसे ही लड्डू टाइप बन जाए बिल्कुल। ये देखें, ये सीड्स बॉल्स बने पड़े हैं। जब लड्डू टाइप बन जाएगा तो इसको आपने तकरीबन 48 घंटे के लिए आपने धूप पे रख देना है, जिससे ये सख्त हो जाएंगे और आपने इनको महफूज कर लेना है। फिर आपने इंतज़ार करना है मौसम बरसात का। जैसे ही बारिश आए, किसी ऐसी जगह पर जाके आपने इनको फेंक देना है जहाँ पर दरख्त ना हो बिल्कुल भी और वहाँ पर दरख्तों की ज़रूरत हो। तो उस जगह पे ये होगा, जैसे ये सीड बॉल्स होंगे इनको ना तो जानवर खाएंगे ना ही जनाब साहब इनको कोई परिंदा खाएगा, ये महफूज रहेंगे। लेकिन जब बारिश आएगी तो बारिश से ये फूट पड़ेंगे और इनके अंदर जो बीज है वो निकलेगा और वो ग्रोथ करना शुरू कर जाएगा। ये शजरकारी को फ़रोग देने का ये बहुत ही अच्छा कदम है। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आधे घंटे या 20 मिनट में आप 10-20 सीड बॉल्स बना के आप मतलब कहीं भी इस नेक काम में अपनी शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग जो शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में खासकर, उससे हमें नौजवानों को ख़ास तौर पर लड़ना होगा। अगर हम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो यकीन माने आने वाले 3-4 सालों में हमारे पाकिस्तान में दर्जा हरारत जो है वो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो कि हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। और रेड अलर्ट आ चुका है इंटरनेशनल लेवल पे कि अगर 2025 तक शजरकारी के हवाले से या जंगलात लगाने के हवाले से कोई अच्छा कदम ना लिया गया तो पाकिस्तान में पीने का पानी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो गंदा पानी होगा। जिस तरह दूध मिलता है 80 रुपये किलो, तो वो उसी हिसाब से पानी आपको मिलेगा। तो क्यों ना हो अपनी आने वाली नस्लों के लिए यह कदम उठाया जाए, क्योंकि ये नेक कदम है। हदीस मुबारक में भी इसका बार बार जिक्र आया है। हजूर पाक ने यहाँ तक फरमाया है कि अगर आप जंग पे जाएं, जंग में जाके आपने जो होते हैं ना हरे भरे दरख्त, उनको भी नुकसान नहीं पहुँचाना। लेकिन आजकल हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में सरसब्ज शदाब दरख्तों को काटा जा रहा है, तबाही की जा रही है। साथ हम इस चीज़ की तैयारी में भी नहीं है कि मोटरसाइकिल बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियाँ फैक्ट्रियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जनाब सब दरख्तों की कमी वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बराए मेहरबानी गो ग्रीन जंग टीम की जानिब से मैं आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर इस नेक काम में अपना हिस्सा डालें, मेहरबानी करें। ये काम सीड बॉल्स वाला बहुत ही आसान है। सिर्फ मिट्टी लें, उसमें पानी मिक्स करें, इसे गारा हम कहते हैं, अंदर बीज डालें और ये गोल लड्डू बनाएं और ये सीड बॉल आपके सामने तैयार है। ये हमें इससे कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये आने वाली नस्लों के लिए हमारे ऊपर ये कर्ज़ है और हमने ये कर्ज़ उतार के जाना है। दोस्तों, आप नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तमाम चीज़ें पूरी करने की कोशिश करते हो, ये भी सदका जारी है। मेरी खसूसी गुजारिश है तमाम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों से, तमाम पाकिस्तानियों से, जहाँ तक ये वीडियो जा सकती है आप इसको वायरल करें। ये चीज़ बहुत ही प्रोग्रेसिव है, इस चीज़ को वायरल करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। और शजरकारी के हवाले से ये बहुत अच्छा कदम होगा हमारा। गो ग्रीन जंग, गो ग्रीन पाकिस्तान, इंशाल्लाह।